रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार और अपने बेटे राहुल गांधी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को भी अपना मानना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली लोकसभा का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुकी गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि काफी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। इस क्षेत्र से अपने पारिवारिक रिश्ते की मजबूती दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल तक एक सांसद के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, अमेठी मेरा घर है। सोनिया गांधी ने कहा कि यहाँ से न केवल जीवन की कोमल यादें जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 सालों से मेरे परिवार की जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। अपनी सास और रायबरेली से सांसद रही दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्मरणों को सुनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। उन्हें मैंने काम करते हुए करीब से देखा है, उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। इसे विस्तार देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी है। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना है लड़ पड़ो, डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपरा बहुत मजबूत है। गांधी ने कहा कि उनका आंचल जीवन भर यहाँ की जनता के आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। सभा को कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संबोधित किया। रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होने वाला है।